इस डेयरी स्कूल की लेक्चर सीरीज में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पहले मैं गाय रखूं या भैंस रखूं उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि साहब पेट फूल गया गाय का तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये ये बड़ी अच्छी और स्ट्रीन गाय है अब ये पेट फूल गया और मतलब ये पेट जो है दो तरह से फूलता है एक तो यह है कि इसमें ऊपर की तरफ हवा भर जाए और दूसरा होता है कि मतलब इसमें जाग से बन जाए तो आप फ्रौदी कहते हैं उसको फ्रौदी ब्रद तो इसमें पशु मर भी सकता है बहुत सारे पशु मर सकते हैं अगर आप इनको तो मतलब सुबह सुबह की बर्सीम खिला देंगे या सुबह सुबह चलना जाएंगे या इनका दाना बदल देंगे तो इनका पेट हमेशा फूल जाता है वैसे तो आप इसकी गोली देते रहें तो ये समस्या नहीं बनती है पर फिर भी बन जाती है जाड़ों में काफ़ी बनती है क्योंकि रात होती है लंबी और अगर आप इन अगर इनको ज़्यादा बैलेंस फीड नहीं दिया आपने मक्का वक्का ज़्यादा दे दी तो उससे भी, भी ये हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है शादी बारात में मतलब चावल बच गए वो दे दिया या चाशनी बच गई वो पी गई तो ऐसी दशा में पशु जो है वो उसमें इतना प्रेशर बन जाता है उसके र्यूमन में कि वो हार्ट चलना बंद हो जाता है और पशु मर जाता है और बहुत ही दैनी दशा हो जाती है तो इसके लिए देखिए ये है एक ट्रोकार है ये ट्रोकार है इसको मतलब इसमें इसमें मैं दिखा रहा हूँ दिख रहा है इसमें देखिए इसमें यह है डिफरेंट साइज़ की सुई है ये सुई है अगर आप इसको घुसा देंगे उसमें जहाँ से ये फूल रहा है और फिर इसको निकाल लेंगे तो ये जो है रह जाएगा फिर इसमें से गैस निकल जाएगी ये तो बच्चों के लिए इसी तरह तो ये डिफरेंट साइज़ की है ये देखिए ये ये फिर दूसरे साइज़ की है और फिर देखिए ये तीसरे साइज की तो इसमें आ, आसानी से वो जो है वो छेद हो जाएगा और छेद के बाद फिर वो जो है आप इसको निकाल लें तो हवा जो है पास हो जाएगी देखिए ये ये जो है इस तरह से तो ये रखना डेयरी में बहुत ज़रूरी है इसमें कोई डॉक्टरी वाक्ट्री मतलब जब तक डॉक्टर आएगा तब तक तो वो तो बेचारे करते ही हैं ये देखिए ये इससे मोटा है तो ये ये इसमें इसमें ऐसा होता है कि ये आपने लेके घुसा दिया ऐसे उसमें घुसा दिया और फिर इसको निकाल लिया आपने इसको निकाल लिया ये लगा रह गया अब ये जो है उसमें वहाँ पे ब्लेड से आप थोड़ा सा काटेंगे और इसको घुसा देंगे यहाँ से और हवा निकलती रहेगी लोग आप ऐसे जो है नीडल का प्रयोग करते हैं पर नीडल से इतना नहीं निकल पाता इसमें डिफरेंट साइज़ का है और आप इसको जब लगाएंगे तो ये अंदर ना चला जाए इसमें इसके लिए ये है कि इसको आर है ये आर होती है ये आर हम लोग तो इससे उसको ऊपर से पकड़े रहें उसको ऊपर से पकड़े रहें से तो गैस जब निकल जाएगी तो जैसे ये आपने इसमें लगा दिया और फिर आपने इसको आर से पकड़ लिया तो ये जो है आर डी फॉट्सऐप इसको पकड़ देगी वहाँ पे या ये आर डिफ से आप आप इसे पकड़ लेंगे इस तरह से इसको आर डी से आप पकड़ेंगे या आप अंदर छेद में डाल के भी देख सकते हैं उसको टोकार ट्रो, को निकाल के और आप जो है देखिए इसको आर डी से आप फिर ऐसे पकड़ लिए यहाँ पे यहाँ पे और ये, यहाँ पर ऐसा ऐसा लगा लगा दीजिए तो ये अंदर जाने का इसका बहन नहीं रहेगा तो ये ट्रोकार कैनोला बहुत ज़रूरी होता है और ये मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ये देखिए ये काफ़ी मोटा है ये बड़ा छेद कर देता है तो वह नीडल लगाते बार तो नीडल से इतना काम कर ये होता नहीं है तो मैंने यही दिखाया ये ट्रोकार कैनोला जो है ये हर एक पशुपालक को रखना चाहिए और इससे जानवर आपका जो लाख का जानवर है वो बच सकता है गाय भैंस पाँच पाँच महीने से ज़्यादा बच्चे सब में काम करता है और इसका रखना बहुत आवश्यक है ये कोई डॉक्टरी की बात नहीं है तो मैनेजमेंट की बात है वैसे इसकी दवाई भी आती है वेटाजीन है आप उसको लगा दें तेल भी पिला देते हैं लोग आग तार पिन का भी तेल पिलाते हैं पर यह है कि अगर ज़्यादा पेट फूल रहा है तो आप फौरन से इसमें छेद करिए और आर डी फोसेफ़ से देख देखे और आर डी को बाद में खेत में घुसा के आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें मतलब प्लास्टिक से कोई चीज़ ऐसी चीज़ तो नहीं है अगर ऐसी चीज़ हो तो उसे खींच के निकाल लीजिए धन्यवाद आपने सुना